हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको यूपीएमआरसी जेई का जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करूंगा और कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। पिछला एक सेशन मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने इसके फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप कब से शुरुआत हुए, पेपर कब होगा, उसका मैंने डिटेल में आपको समझा रखा, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर आज भी बता देता हूँ। इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि फॉर्म फिल की डेट जो है, पहले भाई ध्यान रखो, इसकी फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट हो चुकी थी 1 नवंबर से। लास्ट डेट पर हम फोकस करते हैं, लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है, 30 नवंबर से पहले इसका फॉर्म भर दें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसका टेंटेटिव डेट जो एग्ज़ाम का दिया है उसी को हम फाइनल मान के चलेंगे। तो ये क्या है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा 2 जनवरी और 3 जनवरी को दिया है, हम इसी को मान के चलेंगे। आगे हम बढ़ें तो ये मान के चलो कि 2 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद ये सारी तमाम बातें मैंने आपको बता रखी हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसका रिटर्न एग्ज़ाम होना है। रिटर्न एग्ज़ाम जो है आपका 140 क्वेश्चन होने हैं, उसमें 140 में से 90 जो हैं सिविल के होने हैं, 90 जो होंगे डियर स्टूडेंट सिविल के होने हैं, और उसमें से 50 जो होंगे ये नॉन टेक के होंगे। सिविल का मतलब मेरा केवल टेक्निकल्स है, हो सकता है आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो तो वो भी होगा, सिविल हो गया तो यहाँ पर आपका 50 जो होगा नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, ठीक है ना। ये बातें हो गई, उसमें से आपने, मैंने ये भी आपको बताया था कि कितना मार्क्स किससे आपके आने वाला है, कितना मार्क्स किससे आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे कि सिलेबस की बात किया जाए तो जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश था, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब है, लॉजिकल एबिलिटी का मतलब है आपका रीजनिंग वाला पार्ट, क्वांट एप्टीट्यूड आएगा मैथ्स। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो सर्वेइंग में, टेक्निकल में बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसमें आना था, जबकि असिस्टेंट मैनेजर में ये सारे सब्जेक्ट थे आपके अलग अलग। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके अलग अलग थे, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सीपीएम वाला पार्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है या स्ट्रक्चर है, आरसीसी मतलब स्टील स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन है, हाइड्रोलिक्स मतलब एफएम वाला पार्ट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है आपका, ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलवे और हाईवे दोनों पढ़ना है, जियोमेटिक्स वाला पार्ट है, जियोमेटिक्स सर्वेइंग को बोला जाता है, तो सर्वेइंग इसमें है, इसमें सर्वेइंग नहीं लिखा है, इसमें जियोमेट्रिक है। जियोमेट्रिक इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एडवांस टॉपिक है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा एस्ट्रोनॉमिकल वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब बातें थी आपके सिलेबस की। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको पीडीएफ के माध्यम से सिखाता हूँ कि ये जो सिलेबस है आपका जेई का, जो सिविल का सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ मैं। जूनियर इंजीनियर यूपीएमआरसी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कारपोरेशन, आपका जो जेई के लिए यूपीएमआरसी जेई का जो सिलेबस है टेक्निकल का, उस पर फोकस करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस में देखेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो भी है टेस्ट पढ़ने हैं बिल्डिंग मटेरियल पर, जो जो है स्टोन पढ़ने हैं, उसकी क्वेरिंग पढ़ने हैं आपको, सिलिकेट बेस मटेरियल पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, टिम्बर पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, लेमिनेट बिटुमिनस मटेरियल पढ़ना है, पेंट्स वार्निश ये सब पढ़ना पड़ेगा। सर्वेइंग की बात किया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, बियरिंग पढ़ना है आपको, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग, कंटूर, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन, थियोडोलाइट में जो लेवलिंग में जो पढ़ते हैं आप, डंपी लेवल पढ़ना आपको, कंटूर टेक्निक्स पढ़नी है, मेथड पढ़ने हैं, सॉइल मैकेनिक्स में आपको तमाम बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि आपका ओरिजिन, सॉइल फेज डायग्राम, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कॉफिशन ऑफ परमिलिटी, प्लास्टिसिटी चार्ट, कंसोलिडेशन, सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है, डायरेक्ट वेर्नियर और वैन शेयर टेस्ट, ट्राइक्सल कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर भी पढ़ना है, लैब कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉइस्चर कंटेंट और बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की देखनी है, प्लेट लोड टेस्ट करना है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको पढ़नी है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो पढ़ना है मतलब डिस्चार्ज पढ़ना है, बर्नौली थ्योरम पढ़ना है, पंप टर्बाइन ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ओपन चैनल भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोलिक्स का मतलब केवल हवा में आप हाइड्रोलिक मशीन मतलब फ्लूइड पढ़ लो खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोलिक मशीन भी पढ़नी पड़ेगी, पंप और टर्बाइन दिया हुआ स्पिलवे पढ़ना पड़ेगा और ओपन चैनल भी देखा हुआ है उसने, ठीक है, साफ साफ। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नीड ऑफ द सैनिटेशन, सैनिटेशन की जरूरत क्यों है, सीवरेज सिस्टम मतलब सीवर डिजाइन, सीवर सिस्टम सब पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर सीवर, ओवल सीवर, सीवर अपर्टेंस जो आपको पढ़ने हैं, कंडवीट सरफेस वाटर, ड्रेनेज सीवेज, ये सब तमाम बातें आपका सिलेबस में पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका टेक्निकल का सिलेबस, ये था आपका टेक्निकल का सिलेबस मतलब कि जेई का सिलेबस। अगला मैं स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या था, ठीक है ना।
तो नॉन टेक्निकल पर आता हूँ मैं, क्या सिलेबस रहेगा? अरे यार चलिए भाई, तो अब आते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट अपना मतलब कि जो हमारा पोर्शन था, कौन सा पोर्शन सर? जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है करना जरा। टेक के पार्ट को मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ना रहेगा। वैसे तो हमारा जो पेड कोर्सेज आरआरबी जेई का रफ्तार बैच है, उसमें सारी डिटेल आपको अलग अलग जो फैकल्टीज है जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग वाले सर और एप्टीट्यूड वाले सर, या साइंस वाले सर, जी जनरल अवेयरनेस वाले, करंट अफेयर्स वाले, अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो अपने समझा देंगे। लेकिन फिर भी आपको एक मोटी मैं आपको मतलब मोटे मोटे तौर पर सब बता दे रहा हूँ। एप्टीट्यूड जो होगा आपका 15 मार्क्स का रहेगा भाई, मैंने पिछली क्लास में, पिछले सेशन में बताया था, पिछले सेशन में ही बताया था कि 90 क्वेश्चन आपका 90 जो रहेंगे, 90 सिविल के रहेंगे मतलब टेक्निकल के, देन आपका 50 जो रहेगा नॉन टेक का रहेगा, जिसमें कि 10 मार्क रहेगा आपका जनरल इंग्लिश का, 15 रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, है ना? 15 किसका रहेगा, मतलब कि 10 तो इंग्लिश का रहेगा, 15 जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 10 आपका फिर रीजनिंग का रहेगा, और उसके बाद 15 फिर जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा। ये है आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है भाई, ठीक है ना? ये आपका सिलेबस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैं बल्कि लिख ही देता हूँ यहाँ पर ना, यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपके लिए। दस, पंद्रह, दस और पंद्रह, ये रहेगा तरीका। 50 क्वेश्चन हो गए ना, 15 दो 30 और 10 40 और 10 50, है ना? तो 10 तो रहेगा आपका इंग्लिश भाई, इंग्लिश, और यहाँ पर 15 जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, मतलब जीएस वाला पोर्शन, 10 फिर आपका रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी, 15 रहेगा यहाँ पर मैथ्स, मतलब कि एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हैं एप्टीट्यूड। अब मैं आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस बता रहा हूँ। 15 नंबर कम नहीं होता बेटा, 15 नंबर जो है कम नहीं होता, बात को ध्यान रखना। अब एप्टीट्यूड को देखिएगा, एप्टीट्यूड में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, इतना पहले आपका दिमाग में बिठा दो। ये टोटल जाके मिल रहा है आपका 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, मतलब 140 हो गया ना, 90 का सिविल, 50 का नॉन टेक, ठीक है? अब इधर आ जाओ, हम सबसे पहले पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मेडियन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, मीन डेविएशन, एससीबी एंड एलसीपी आपको, एलसीएम आपको पढ़ाया जाएगा, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका मोड, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीन सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल कंपाउंड एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम विद एजेस एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन, करेक्ट मीन, टाइम एंड रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन एंड परसेंटेज, ये सब तमाम सब्जेक्ट टॉपिक्स आपके एप्टीट्यूड के हैं। रीजनिंग पर जब पढ़ाएंगे सर तो आपको अरिथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स और अल्फाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, आपका मिरर इमेज, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्यूब आपका, और डाइस पढ़ाया जाएगा, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस दिया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा हो गया। जनरल नॉलेज में आपका जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना ही है, इकोनॉमिक पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी पढ़नी है, ज्योग्राफी इंडिया और चंडीगढ़ की, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, कल्चरल हेरिटेज पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स आपको पढ़ना है, करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स की बातें हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए हैं वो पढ़ना है आपको, और चंडीगढ़ का हिस्ट्री बताना है। अंग्रेजी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टेंसेस आपको पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है, कंटीन्यूअस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एडवर्ब आर्टिकल वोकैबुलरी, कंप्रेहेंशन, एरर करेक्शन, आइडम एंड फेजेस एंड सिनोनिम्स एंड अनसीन स्पेसेस, ये सब आपको पढ़ना है। समझ गए बात को? तो ये सब तमाम बातें जो थी आपके नॉन टेक्निकल के सिलेबस को मैंने आपको बताया, तो ये सब आपका कंप्लीट जो सिलेबस है आपका, ये सब हमारे रफ्तार बैच में कराया जाएगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर बस बैच को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, उसको एप्लीकेशन पर डाउनलोड करें, कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। तो ये सिलेबस को पहले पढ़ें, किसी भी चीज़ को जब आपके चलिए तो सारी बातों को मैं फाइनलाइज करता हूँ यूपीएमआरसी के रिगार्डिंग, जो मुझे बताना था रफ्तार बैच आपका आरआरबी जेई के लिए, सॉरी चाहेंगे उस पर। अब इधर आ जाओ, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्या है ये सब तमाम बातें मैंने कह दी हैं, अब मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ सारी तमाम बातों को जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका 2 जनवरी को टारगेट है एग्जाम का, 2 जनवरी 2023, 2 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, ये टेंटेटिव डे उन्होंने दिया है। ये एग्जाम डेट है किसकी? सर यूपीएमआरसी की, यूपीएमआरसी जेई की डेट है। यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेगा, यूपीएमआरसी जेई की जो है डेट है, यूपीएमआरसी जेई की 2023 में 2 जनवरी को ही दिया है। मतलब कि आपके पास केवल 30 दिन बाकी हैं, सॉरी 40 दिन, 40 डेज बाकी हैं, केवल 40 डेज बाकी हैं, ठीक है, 40 दिन बस बाकी हैं, ठीक है। इस 40 डेज में दिन में हम कितना कुछ कर सकते हैं, तो वो सब तमाम बातें सब प्लानिंग करी हुई हैं, तो उस पर किस तरह से हम पढ़ें वो सब तमाम बातें आपको बोली गई हैं। तो यहाँ पर सिविल का कितना पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा, नॉन टेक्निकल का पोर्शन कितना पढ़ना है वो भी देखा इसमें आपका होगा, ठीक है। तो आप मंडे को, मंडे मतलब कि 21 तारीख को, 21 नवंबर 2022 मतलब परसों, ये आपको क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा, क्रैश कोर्स, ठीक है ना, क्रैश कोर्स देखने को मिले, तो इसमें हम उसकी तैयारी करेंगे। अभी मैंने केवल आपको सिलेबस का डिस्कशन किया है, अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो सब तमाम मैंने परसों एक लाइव सेशन रखा हुआ है, उस पर आप जुड़ें, और साथ ही साथ आपका ये जो क्रैश कोर्स है 40 दिन का ये लॉन्च किया जाएगा, उसमें हम तमाम चीज़ें आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ हम इसमें करेंगे और किस तरह से करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं परसों।